हाय स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। जॉन एफ ब्राउन कौन था? ही वाज ए ब्लाइंड मैन। उनके साथ में कौन था? हिज डॉग। डॉग का नाम क्या था? चुप। सो होटल में आ गया था। होटल वाला पहले मना किया था कुत्ते को अंदर लेके जाने के लिए, कुछ भी हो। दूसरे दिन रिपोर्टर्स वहां पे आए थे एंड जॉन एफ ब्राउन रिपोर्टर से क्या बोल रहे थे, वहां पे आग लग गया। दैट व्हाट हैपेंड। ओके, आई वाज टायर्ड एंड वेंट टू स्लीप। मैं इतना थका हुआ था, वेंट टू स्लीप। तब चुम वॉक मी अप, वो कुत्ता मुझे जगा दिया। आई स्मेल्ट स्मोक, ये फायर। तब अलार्म आ गया। देन ये रूम के दरवाजे के पास आ गया, लेकिन इतना गर्मी था वहां पे कि कुड नॉट ओपन इट, खोल नहीं पाया। फिर खिड़की के सामने आ गया, बट ही वॉज ब्लाइंड, ही कुड नॉट सी इट, ब्लाइंड था इसलिए चढ़ नहीं पाया। आगे आई ट्राइड द फोन, मैं सीधा फोन के पास आ गया, फोन लगाने के लिए कोशिश किया, बट इट वॉज डेड। लेकिन वो फोन बिल्कुल डेड था, खराब था, नहीं चल रहे। ये लिटिल स्मोक वॉज गेटिंग पास्ट द टावर्स, नीचे टावर डाला हुआ है, टावर के बीच में से रोड अग्यो धुआ रहे। आई स्टार्ट कफिंग, कफिंग को आई ले ऑन द फ्लोर विद चुम बिसाइड मी। मैं नीचे लेट गया, साथ में मेरे साइड पे कुत्ता एंड वेट, हम वहां पर इंतजार कर रहे हैं। Seemed like hours. एक एक मिनट घंटे तक जैसे लग रहे, क्योंकि समय नहीं जा रहा है, हम तो इंतजार कर रहे कोई आएगा मदद करने के लिए, नहीं तो आग भी खत्म हो जाएगा। एक एक मिनट, एक एक घंटे की तरह लग रहे। Then I heard the sound of fire engine. तब सुना मैं फायर इंजन का आवाज। It was music to my ears. वो फायर इंजन का ये आवाज मेरा कान में म्यूजिक के जैसे लग रहे थे। आई रश्ड बैक टू द विंडो, वेव्ड एंड शाउटेड, बचाओ बचाओ बोल के चिल्ला रहे। चुम बार्क्ड, चुम भी जोर से भौंक रहे। मोमेंट्स लेटर आई हियर ए वॉइस, कुछ समय के बाद मैं किसी का आवाज सुना। द फायरमैन did not want to take chum, ये फायरमैन आ गया, लेकिन वो कुत्ते को लेके जाने के लिए इनकार कर रहे, कुत्ते को बचाने की इनकार कर रहे। It is against the rule, अरे ये हमारा रूल के खिलाफ है, हम एक आदमी को बचा सकते हैं, जानवर को नहीं। But I explained about chum, मैं चुम के बारे में उनको बताया, भैया ये चुम एक जानवर नहीं है, मेरा आंख है, आई एम ब्लाइंड, चुम के अलावा मैं जी नहीं सकता, मेरा पूरा रास्ता ये दिखा रहा है, मेरा सब कुछ ये। उसके बाद सेकंड्स लेटर वी वर बोथ सेफ ऑन द ग्राउंड, हम दोनों बिल्कुल वहां से सेफ होके जमीन पे आ गया, मतलब फायरमैन आ गया, हमें बिल्कुल सेफली नीचे उतार दिया। So you saved Chum's life, the reporter said. Reporter, oh, तब आपने बचाया चुम का लाइफ? Yes, and he saved mine. वो मेरा भी जीवन बचाया, जो जो से भौंके सबको बुला के मेरा भी जीवन बचाया, said John. Didn't you Chum? Anna Chum? Chum barked. It sounded like yes. Chum जोर से भौंक रहे, उसका मतलब हाँ हाँ, चुम मेरा, तुम मेरा लाइफ को बचा ना, भो भो। इट साउंडेड लाइक यस। तो कभी कभी कुत्ता हमारे जीवन को बचा लेते हैं। सो आई थिंक यू एंजॉयड द स्टोरी एंड लेट अस स्टडी द नेक्स्ट लेसन इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू वेरी मच।